हेलो एंड जय हिंद एंड यस फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस, जो है एनडीए की 60 डेज स्ट्रेटेजी। अब एनडीए एग्जाम के लिए 60 डेज रह गए हैं और आप में से दो तरह के एस्पिरेंट होंगे। पहले वो जो काफ़ी पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और उन्हें लास्ट के दो महीने के अंदर अपने स्कोर को बूस्ट करना है, और दूसरे वो जिनको लगता है कि भैया मेरे को तैयारी अभी से शुरू करनी है, तो क्या मैं दो महीनों के अंदर एग्जाम क्रैक कर लूँगा, और एग्जाम अगर मैं क्रैक करूँगा तो मुझे कितना पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने करने होंगे, मॉक कितने करने होंगे, कितने घंटे देने होंगे, और इन सब चीज के बाद मुझे टारगेट कितना रखना होगा, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। और एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मैंने खुद दो महीने के अंदर कराए तो आप भी कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास लाइव आगे चल भी रही है और आने वाली भी है। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए, अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिए, और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर लॉग इन नहीं कराए तो जाइए, यहां पर अपने ऐप को डाउनलोड करके करिए और AKDEF रेफरल कोड का यूज करना मत भूलना। इसके अलावा अनअकैडमी पे बहुत सारे कोर्सेज, जो पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं प्लस और आइकॉनिक, उनमें भी एनरोल करने के लिए आप लोग AKDEF रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको 10% से लेके 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल रहे होंगे, और इन लाइव क्लास को, जो मेरी क्लास चल रही है, उनको ज्वाइन करना मत भूलना। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि आने वाले 60 डेज के अंदर में ऐसे क्या करना है कि हम तैयारी ऐसी हो कि हम एग्जाम को क्रैक कर लें। तो मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूं जो आज से तैयारी शुरू करने जा रहा है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया कट ऑफ मार्क्स कितने होते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स आपके बैरी कर रहे हैं अभी के टाइम में 360 से 380 के बीच में आएंगे। अब यहाँ पे मैं लेकर चलूंगा 380, क्योंकि हमें बिल्कुल एक सेफ स्कोर लेकर चलना है कि बाद में ये ना रहे कि हमने यार स्कोर कम मान लिया था, हो तो ज्यादा गया। तो हम 380 कट ऑफ को लेकर चलेंगे। अच्छा, एग्जाम अगर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, तो सभी की नीचे जाएगी, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम अगर सरल होगा तो कट ऑफ सबकी हाई जाएगी और सबके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 380 हमारा स्कोर हो गया, ठीक है। अब देखो, मैथ्स में और जीएटी में, दोनों में आपको मिनिमम 25% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। अब इस 25 को मैं बोलूंगा कि 30% कर लो, ताकि आपको एक सेफ साइड बनी रहे। अब ऐसा होने पे क्या हो जाएगा, जो आपका मैथ है उसमें आपको 30% लाना है। मैथ आती है आपकी 300 मार्क्स की, इसका 30% आपका हो जाता है 90 मार्क्स। और आपके जीएटी की बात कर रहे हो तो जीएटी आती है 600 मार्क्स की, इसके अंदर से आपका 30% हो जाता है 180 मार्क्स, यानी 270 तो आपके मिनिमम कट ऑफ से ही आने चाहिए। अब इसके बाद हमें क्वालिफाई करने के लिए इसमें ऐड करने हैं 110 और ऐड करने हैं, ताकि हम कट ऑफ के अंदर आ जाएं। इसके अलावा ये तो इतना हो गया, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, अगर आप बिल्कुल अभी से शुरुआत कर रहे हो जीरो से, तो आप इन दो महीनों के अंदर 450 प्लस का स्कोर करोगे, और अगर पहले से तैयारी करते आ रहे हो तो 500 प्लस 550 प्लस का स्कोर बहुत आराम से कर लोगे, वो भी सिर्फ सेल्फ स्टडी से। यहाँ पे मैं कोई भी पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो उससे आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने 60 डेज को दो हिस्सों में बांट लेना है, 45 डेज में और 15 डेज में। अब यहां पे 45 डेज हमारे पहले होंगे जिसमें हम कोर स्टडी करेंगे, किस पे, टारगेटेड सिलेबस कंप्लीशन करेंगे। क्या करेंगे, टारगेटेड सिलेबस कंप्लीशन, यानी जो सिलेबस का हमने टारगेट बनाया है, जितना हमें पढ़ना है, उस सिलेबस को पहले 45 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। हां, हो सकता है 2-4 दिन ज्यादा लग जाए, वो चलेगा। उसके बाद आने वाले 15 डेज के अंदर हम लोग रिवीजन, मॉक और इंप्रूवमेंट करेंगे। 45 डेज के और 15 डेज के सेक्शन को हम बहुत ही डीपली समझेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा आप जानते हैं कि एनडीए एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाता है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये पता चल जाता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करने चाहिए। आपके पास 60 डेज है तो आपको 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको कहां से करने हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं जिसका नाम है ओसवाल बुक। अब ओसवाल बुक की आपके लिए मैथ्स, जीएटी और इंग्लिश तीनों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेपरेट बुक्स आती हैं। अब इन बुक्स के अंदर आपको 2017 से लेकर 2023 तक के 12 पेपर्स के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। सॉल्व का मतलब समझ रहे हो, आपको सॉल्यूशन उसके अंदर मिल रहे होंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दे रखा है। इसके अलावा इसके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं। पहली, इसके अंदर माइंड मैप दे रखे हैं। आप लोग माइंड मैप से समझ सकते हो कैसे चैप्टर को हम रिवाइज कर सकते हैं। अब कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, उससे पहले माइंड मैप देख लिया, रिवीजन हो जाता है, क्विक रिवीजन हो जाता है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे
है वो जीएटी का हो। इसके अलावा सर सीट के अंदर आपको बता रखा है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो किस सेक्शन से आ रहा है, तो इससे आपको टॉपिक वाइज उस क्वेश्चन को पहचानने में आसानी हो जाती है कि भाई ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है। अब आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बेनिफिट आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। तो इन बुक्स के सैंपल पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा इसके परचेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो सैंपल पीडीएफ जाके चेक कर सकते हो और परचेज कर सकते हो आप लोग अमेजोन पे जाके और डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से जाके भी परचेज कर सकते हो। तो इन बुक्स को अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करो और अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू करो, क्योंकि तैयारी में साथ साथ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलते हैं तो आपकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हो रही होती है, आपका लेवल पहले से ही मैच होकर चल रहा होता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर परचेज करने का लिंक मिल जाएगा और परचेज करके अभी इसको अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करो, ताकि आपको ये बाद में अफसोस ना रहे यार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाया तो मुझे लेवल पता नहीं चला। तो वो सारी चीजें हमारी पहले से इंक्लूड होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे हमें 45 डेज के अंदर क्या करना है। अब 45 डेज के अंदर सबसे पहला हमने क्या बोला ना, टारगेटेड सिलेबस कंप्लीशन। भाई तो टारगेटेड सिलेबस कंप्लीशन में पहला पॉइंट क्या आता है, तो पहला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, डोंट ट्राई टू कवर होल सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर करने मत जाना। अब पूरे सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैथ्स मिलेगी, जीएटी मिलेगी, जीएटी के अंदर तो इतना भरा हुआ है, सब इंग्लिश है, उसके अंदर सोशल है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना सब कुछ क्या आप पढ़ लोगे 2 महीने में? नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप 2 महीनों के अंदर ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। इवन 3 या 4 महीनों के अंदर भी ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, बी स्मार्ट, फोकस ऑन एनी 7 ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो इनमें से 7 पे किसी में फोकस करना है, जो 10 सब्जेक्ट है, 11 सब्जेक्ट है, उनमें से 7 पे फोकस करना है। अब वो 7 कौन से होने चाहिए, उन 7 में मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर कंपलसरी होने चाहिए। अब मैथ्स का पेपर अलग होता है तो वो हमारा कंपलसरी होगा ही होगा। दूसरा, इंग्लिश क्यों कंपलसरी होना चाहिए, इंग्लिश से हमारी वोकैब इंप्रूव होगी, तो हम जब भी एग्जाम के बाद जब SSB इंटरव्यू में बैठे होंगे तो हमारे पास काफी सारे वर्ड्स होंगे जिससे हमारे सेंटेंस अच्छे हो रहे होंगे, इंपैक्टफुल वर्ड होंगे, तो हमारी कन्वर्सेशन को, हमारे सेंटेंस को इंपैक्टफुल बनाएंगे। करंट अफेयर से जनरल अवेयरनेस मिलेगी, जनरल अवेयरनेस का फायदा भी आपको वहां पर हो रहा होगा। जैसे मान लो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कोई करंटली किसी इवेंट के बारे में पूछता है तो आप अपने थॉट्स को उस पे रख पाएंगे। इसके बाद बात करें अगर आप PCM से हो तो PCM वाले स्टूडेंट को ऐड करना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो 11th 12th लेवल के कह सकते हो आते हैं, पर इतने ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, हलवा आता है। मैं बताऊं 11th 12th को अगर आप निचोड़ दोगे ना, निचोड़ने के बाद बहुत बचा सा निकल आएगा, साफ सुथरा सा, बहुत हल्का फुल्का, तो वो निकल कर आ जाएगा निचोड़ यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी आपकी 9th और 10th लेवल की आती है, कोई भी अच्छी सी बुक लेके जैसे एस चंद की बुक आती है 9th और 10th की, बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बुक्स की वीडियो मैं बना चुका हूं, उस बुक के अंदर आपको बता रखा है किसकी कौन सी बुक लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, उस पे जाके देखना, सारी बुक डिटेल में बताई है मैंने कि किससे क्या मिलने वाला, क्या फायदा होने वाला है। और फिर आती है इसमें पॉलिटी, ऐड कर लो, पॉलिटी थोड़ी इजी होती है। अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल में पॉलिटी इजी होती है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी पॉलिटी ऐड करी थी। और अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पर फोकस करो और साथ में फिजिक्स ले लो, फिजिक्स थोड़ी इजी होती है क्योंकि 9th 10th में आपने फिजिक्स पढ़ ही रखी होती है, तो उस फिजिक्स से आपका बहुत फायदा हो रहा होता है। जो कॉन्सेप्ट आपके 9th और 10th के उतने अच्छे से कंप्लीट कर लो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 मार्क्स की आपके पास फिजिक्स आती है, 100 मार्क्स में से अगर आपने ढंग से कर लिया तो आप 60 मार्क्स तो बहुत आराम से लेकर आओगे 9th 10th के लेवल से, बता रहा हूं मैं। 11th 12th तो बोल ही नहीं रहा हूं पढ़ने की, लेकिन आपने अगर मेरे लेक्चर देख लिए फिजिक्स के तो आप इन 100 में से 90 मार्क्स करके आओगे फिजिक्स में बहुत अच्छे से, ठीक है? तो आपको वो लेक्चर देखना जरूर है। पर ये तो आपको सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं, देखो 4 आपको लेनी है, किसको, मैथ वालों को ये, और जो नॉन मैथ वाले हैं वो 4 ये सकते हैं। अब क्या सारे टॉपिक पढ़ने हैं? नहीं, फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक पर फोकस करना है। अब भैया ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जीएटी की, जीएटी के अंदर मैंने आपको बनाई है साइंस की अलग और आपके सोशल की अलग, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक बताएं, मैथ्स के अलग बताएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको तैयारी करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वो सारी वीडियोस आपको मिल रही होंगे, उनमें से देख लेना। और आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से बनाऊंगा नया एनालिसिस करके, तो 1 हफ्ते के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल रही होंगे, उनको देखना मत भूलना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकस करना। आते तो यार बहुत चैप्टर हैं, मैथ्स में तो 30 चैप्टर आपके पहुंच रहे हैं, 28 चैप्टर आपके पहुंच रहे हैं अगर मैं चैप्टर की तरह खोल दूं उन्हें। अगर आप जाओगे साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो 12-15 चैप्टर मिल रहे हैं, सब नहीं पढ़ने, 8-10 में काम हो जाएगा, 10 में काम हो जाएगा, तो वो सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। और इन चैप्टर के अंदर भी टॉपिक जो होते हैं वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सारा का सारा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो सब मैंने डिटेल में बताया, चैप्टर के टॉपिक्स लिखे हैं, चैप्टर के
नाम नहीं, टॉपिक के नाम लिखे हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर आपको 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अब मैंने बताया 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे उस वाल बुक से, तब भी आपका वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करके चलनी है। और दूसरा फिर क्या करना है, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको किसी बुक से मिल रहे हो, चाहे आपको एनडीए के अलग अलग रिसोर्सेज से मिल रहे हो, चाहे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके लेक्चर से मिल रहे हो, चाहे आपको अनअकैडमी पे मेरी तरफ से फ्री लेक्चर मिल रहे हो, जो और फ्री लेक्चर है वहां से मिल रहे हो। तो जो भी प्लेटफॉर्म है सबका फायदा उठाओ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कुछ मत छोड़ो, आपके लिए तो सब खुला है ना, तो आप उन सभी चीजों का फायदा उठा सकते हो, चाहे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं जहां से भी वहां से लेकर आओ, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि भैया हमको इतना करना है, अब कैसे करना है ये समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी चीज शुरुआत करनी है उसका एक मेथड होना चाहिए। क्या कि सबसे पहले हमें लेना है एक चैप्टर, मान लो मैथ्स का हमने एक चैप्टर उठा लिया, मैथ्स का एक चैप्टर हमने ले लिया। इस चैप्टर के सबसे पहले क्या करे जाएंगे, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होना, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इसके बाद क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले कौन सी करोगे, पहले करोगे जो आपके पास बुक प्रेफर कर रहे हो उसकी, उसके बाद लगाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर फॉर्मूले पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चन करोगे, उसके बाद जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ये समझ में आ गया, तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलना है। और अगर यहां पर बात आती है कि भैया मेरी मैथ ठीक नहीं है, तो अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैथ अगर आपकी बढ़िया नहीं है तो आप क्या करो कि आप डायरेक्ट एनडीए का लेक्चर मत देखो, आप जाओ आप 11th 12th क्लास के जो लेक्चर्स हैं उनको देखो, क्योंकि वहां पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो उस लेवल से पढ़ाते हैं कि ऐसे बच्चे के लेवल से कि जो भाई अभी अभी क्लास में आया है इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो हमें शुरू से पढ़ाना है, तो उससे आपको चीजें शुरू से समझ में आ रही होंगी डिटेल में। वहीं अगर आप एनडीए का लेक्चर अटेंड कर लोगे तो टीचर थोड़ा सा लेवल हाई रखता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई 11th 12th में एक बार पढ़ के आ चुका है तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा होगा, तो वो लेवल हाई रखने के चक्कर में आपके सिर पे से निकल जाएगा। अब इस तरह से आपको लेकर चलना है हर एक चैप्टर के लिए अप्रोच, फॉर्मूलास कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज। और ऐसा करने के बाद अगर आपने ये सब करा तो आपके एनडीए के मैथ के अंदर 150 का स्कोर हो जाता है। कितना हो जाएगा, 150 का स्कोर यहां से बनना है। इतना क्लियर हो गया। बात करें फिर आगे, जब आप पहुंचते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर, तो ये तो सबको कंपलसरी था, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश को पहले बता देता हूँ मैं, इंग्लिश के लिए क्या करना है। अब देखो आप सभी को इंग्लिश पे इक्वली फोकस करना है, इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। तो भाई इंग्लिश तो आती है आपको 200 मार्क्स की आती है। अब 200 मार्क्स वाली इंग्लिश के अंदर आपके, देखो मुझे लगता है 100 मार्क्स तो बहुत आराम से बनते हैं। अब इसके अंदर जो आपके मेनली होती है, अगर हम बात करें तो आपको 120 मार्क्स की तो सिर्फ वो आ जाती है, हमको वोकैब आ जाती है। अब इसके अलावा जो होते हैं कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हो, फिलिप्स वगैरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं या जंबल्ड सेंटेंस आते हैं, तो जंबल्ड सेंटेंस ईजी होते हैं। जंबल्ड सेंटेंस अगर आप ढंग से कॉमन सेंस लगा दोगे ना, तो आप 10 में से 8 ठीक करके आओगे, 7 ठीक करके आओगे, आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा तब भी। तो आपको वोकैब पर फोकस करना है, बुक्स मैं आपको बता चुका हूँ, उन सबसे फोकस करके आपके इंग्लिश में 100 मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने अच्छी तरीके से फोकस करा है। करना क्या है कि आपको पहले अपने जो जंबल्ड सेंटेंस वाले और फिलिप्स वाले उनको तो कॉमन सेंस से आपको ठीक करना है। दूसरा जो आपके स्पॉटिंग एरर है, स्पॉटिंग एरर के लिए आपको क्या करना है, आपको एक अप्रोच लेनी है कि भाई मेरे को ना पहले नाउन वाला करना है, तो मैं नाउन के पहले करूंगा, नाउन के मैंने रूल्स पढ़ लिए, उन रूल्स पर मैंने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, देन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। तो इस तरह से उसमें भी चलना है। तो आपको पहले नाउन का अलग करना है, प्रोनाउन का अलग करना है, एडवर्ब का अलग करना है, एडजेक्टिव का अलग करना है, प्रीपोजिशंस का अलग करना है, ऐसा आप कराते भी हैं टीचर, ठीक है। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करने हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ करना है। अगर हो सकता है उसमें से कुछ कम हो रहे होंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, कुछ बेकार भी होंगे, गलत भी होंगे, होने दो, करो लेकिन उसको। फिर जो आपके वोकैब है, वोकैब को रोज पढ़ो। अब रोज पढ़ने का मतलब है कि आप सुबह भी पढ़ रहे हो, उसको शाम को भी पढ़ रहे हो, तो वोकैब को दिन में 2 बार पढ़ोगे ना, तो आपके वोकैब अच्छी हो जाएगी। अब वोकैब के अंदर आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेज पढ़ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो वोकैब आई थी उनके कुछ ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन के अंदर जो आपके दे रखे होते हैं वर्ड, उनसे भी अगले बार के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनके भी आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करके चलते रहें। बात करें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट बेस्ड सिंपल पढ़ना है आपको, ठीक है। करंट अफेयर तो आप लोग करके चलोगे चलोगे, करंट अफेयर को क्या है, सिंपल से पढ़ते रहना। करंट अफेयर के बहुत सारे लेक्चर्स आपके अवेलेबल होते हैं, वहां से कर सकते हो। करंट अफेयर के अंदर आपको 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक मिलते हैं देखने में, तो वो आपको अच्छे से करके चलना है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है पीसीबी और पॉलिटी। अब इन सब चीजों के अंदर आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको जितने बता दूंगा उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, आपको कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर लेने हैं और इस चीज को रट्टा मार लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। बात करें यहां पे नीचे हम आ जाते हैं, तो यहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आप लोग इसके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, चाहे जो भी आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं।
रहे हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो वहां से ले सकते हो। तो यहां से आपका स्कोर अच्छा बनेगा। आप कितना स्कोर बनेगा बताता हूं मैं। ये आती है आपके पास 200 मार्क्स की साइंस, और अगर आप मैथ्स पीसीएम वाले हो तो आप इस 200 की साइंस में से 150 का 160 का स्कोर बहुत आराम से कर लोगे, 160 प्लस का स्कोर कर लोगे। समझ में आ रहा है? पॉलिटी के अंदर से मान लो आपने 20 का और कर लिया, 20 का स्कोर और बढ़ा लिया, तो आपका 180 का स्कोर हो गया। अब जरा स्कोर जोड़ना अपना कितना, 180 यहां पर हो गया, ठीक है, 100 यहां पर हो गया, ठीक है, मान लो 20 यहां पर हो जाएगा, तो 120 ये हो गया, और यहां पर लगा दो जरा 120 और 180 कितना हो गया हमारे पास, 400 हो गया, नहीं कितना हो गया 300, ठीक है 300 हो गया, और साथ में हमारे पास क्या है 150 का हमने साइंस मैथ्स का लिया था, तो हमारे पास 450 स्कोर हो रहा है। समझ में आ गया? 450 बेयर मिनिमम एफर्ट से मानना हूं मैं, तो ये बेयर मिनिमम एफर्ट से आपका इतना स्कोर तो हो जाएगा। अब बात करें अगर आप लोग इधर से हो, किससे, नॉन मैथ से, तो नॉन मैथ का होने के बाद आपका यार 150 तो नहीं होगा मैथ्स में, तो आपको क्या करना है कि भैया मेरा 150 नहीं हो पाएगा मैथ्स में, तो आपका कम से कम 100 और 120 तो होना चाहिए मैथ में, इतना तो होना चाहिए। तो 100 और 120 मान लो 120 लेकर आ रहे हो, ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ आप 120 लेकर आ रहे हो, सकता है 100 हो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आपका हो ही जाएगा 120, तो आपको एफर्ट मारने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं और सरल टॉपिक पढ़ने हैं, उसको भी मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। फिर हिस्ट्री, पॉलिटी और इन सब पर फोकस करके आपको क्या करना है, इनके अंदर जो आता है आपको लगभग, अच्छा इसी में मैं करंट अफेयर ऐड कर देता हूँ, तो ये सब मिलाकर आपको 200 मार्क्स का बैठता है। यहाँ पर आप 130 प्लस का स्कोर तो कर रहे हो, अब यहाँ से 130 को और ऐड कर दोगे तो ये 130 का हो गया, और साथ में आपको इंग्लिश में कितना स्कोर करना है, 100 का आ रहा है, तो इंग्लिश में 100 का स्कोर करना है। बात करी थी मैंने फिजिक्स की, अगर फिजिक्स को आप पढ़ ले तो 9th-10th के लेवल से, तो 50 से 60 का स्कोर आराम से कर लोगे, तो यहां पे आपका 60 का स्कोर ये बन जाता है, ये हो जाएगा 410, तो यहां पे देखो 410 का स्कोर हो रहा है, 450 नहीं पहुंचा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप एफर्ट मारने थोड़े से केमिस्ट्री पर, और यहां मार सकते हो तो कर सकते हो, वरना आप लोगों को यहां पर मैथ्स वाले पोर्शन में अगर करना शुरू करोगे, और यहां पे मैंने स्कोप छोड़ दिया है आपको 120 और 130 का लिखा है, तो आपको इस जगह पे मारने कि मेरा स्कोर बढ़ जाए। दूसरा, आप लोग ये इंग्लिश में इंप्रूव कर सकते हो, ये कोई भी टफ चीज नहीं है यार, देखो इंग्लिश में मैं बताऊं, मैं कभी पढ़ के नहीं गया, इंग्लिश मेरे हर बार 100 से ऊपर आते थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, और आपके इंग्लिश के अंदर 120 का स्कोर वहां पे बन जाएगा। तो आपको अगर एक जगह कम हो रहे हैं, देखो ध्यान रखना बात कि अगर भाई मैथ में कम हो रहे हैं तो कहीं तो बढ़ाने पड़ेंगे, कहीं तो एफर्ट मारना पड़ेगा, तो ये तो करना है, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो करोगे भाई, तो फिर क्या करोगे आप, इसमें भी इंप्रूव करोगे, तो इस तरह से आपका भी बड़े आराम से 450 यहां पे पहुंच जाएगा। बड़े आराम का मतलब ये कि में मेहनत तो आपकी लगनी है। अब इस तरह से आपका 45 डेज का प्लान चलता रहेगा, 45 डेज तक लगातार चल रहा है, हो सकता है 5-6 दिन और लगे उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, सिलेबस को कंप्लीट करने में, जितना मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। खुद से निकालना, पुरानी वीडियोस के अंदर जाके देख लो, वो भी फायदा करेगी। फिर आता है हमारे पास रिवीजन। अब बचे हुए 10 से 15 दिन के अंदर हमें रिवीजन करना है और मॉक करने हैं, और मॉक कितने करने हैं, 6 मॉक करने हैं। कितने, 6। अब 6 साइड का मतलब होता है 6 आपके मैथ्स के और 6 आपके जीएटी के, तो इतने मॉक आपको करने हैं। मॉक करते हुए आपको ध्यान रखना है स्पीड एक्यूरेसी का, ठीक है, तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी चल रही हो, पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी थी, 60 डेज से पहले से चलते हुए आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, मॉक 15 दिनों में नहीं करना है, मॉक अभी से करना है। और जिन्होंने पहले से तैयारी करी है उनको मॉक 6 भी नहीं करने है, वो कम से करेंगे 10 से 12 मॉक। तो 10 से 12 अगर सेट करते हो मॉक के, तो आपको इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। अभी से शुरुआत कर रहे हो तो आप इतने ही मॉक कर सकते हो 6, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अब स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, सबसे ज्यादा मैथ में, ध्यान रखना मैथ ही इतना बड़ा सब्जेक्ट, ये मैथ अकेला ही लेके डूब जाता है। अच्छे अच्छों का इंडिया है, मैथ की वजह से क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ज्यादातर फोकस करते हैं जीएडीपी के मार्क्स ज्यादा है, पर ये जो मैथ है ये फेल करवा देता है, ये आपको रुकवा देगा। यहाँ पर 75 मार्क्स नहीं आ पाते, यहाँ पर 80 मार्क्स नहीं आ पाते हैं बच्चों के। अब बात हो जाती है टाइम देने की, तो देखो टाइम की बात क्या है, अब बात आती है मैथ की। अब आप अगर 60 डेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड करना चाहते हो, आपको जान लगानी है, तो यार आप कम से कम अपने 9 घंटे तो देने को तैयार हो जाओ, 9 से 10 घंटे दिन के, ठीक है, 9 से 10 घंटे हाँ आपको ज़्यादा लग सकते हैं, और पहले दिन से शुरुआत भी नहीं होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 9 से 10 घंटे पे पहुंचना पड़ेगा आपको। अब इसको कम से कम 8 होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको करना है क्रैक तो फिर रखना पड़ेगा, अदरवाइज तो मजे के लिए तो आप 4 घंटे पढ़ सकते हो। तो मैथ के लिए कम से कम आप 3 घंटे जरूर दें, 3 घंटे से ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब बचे हुए आपके रह जाते हैं यहाँ पे 6 घंटे, 6 घंटों के अंदर आपको 1.5 आवर देना है इंग्लिश के लिए, 1.5 आवर कितना देना है इंग्लिश के लिए। पीसीएम वाले हो तो आपने तो ये इसका बनाया एक बंच, ठीक है, तो इसको आपको कितना फोकस करना है, इसको आपको 3+ आवर्स दे सकते हो, कितने 3+ आवर्स दे सकते हो, ये तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो ये इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आपने कितना दिया,
वन एंड हाफ आवर, तो आपके टोटल हो गए फोर एंड हाफ आवर, और हाफ आवर आपने दे दिया करंट अफेयर की एक वीडियो देखने के लिए, तो आपके कितने हो गए फाइव आवर हो गए, तो फाइव आवर हो गए आपके पास और ऐड। अब बचा हुआ जो एक आवर है वो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कौन सा आपका बी करा जाता है उसमें ऐड कर दो, समझ में आ रहा है, उसमें उसको ऐड कर दो। तो अगर आप लोग नॉन मैथ वाले हो तो 3+R आप लोग इधर दे दोगे। अब 3+R देने के बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो आप मैथ में दे सकते हो, कि आपकी मैथ अगर वीक है ना, क्योंकि आपने मैथ पढ़ी नहीं है तो मैथ पे ज्यादा फोकस करना है, तो यहाँ पे टाइम दे सकते हो। इस तरह से अगर टाइम लेके चलोगे तो सही से हो जाएगा आपका एग्जाम। अब बात एक अप्रोच की कि आप लगातार उस पर फोकस कर रहे हो, कंटिन्यूअसली चीजें कर रहे हो, डिवोशन डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में, तभी आप ये चीजें कर सकते हो। अगर आपने सीरियसली सोच रखा है एग्जाम को क्रैक करना है तो आप 8 से 9 घंटे 10 घंटे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इन सब चीजों पे फोकस करेंगे डिसिप्लिन के साथ, एक बेटर प्लान के साथ। और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, इसके अलावा कोई भी सवाल आपका होता है वो भी आप लोग पूछ सकते हो। तो इन सारी चीजों पे फोकस करके चलोगे, इन सब चीजों पे फोकस करोगे, आने वाली वीडियोस के अंदर सारी बताने वाला हूं कौन-कौन से टॉपिक हैं, तो उन सबको लगा के एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना के, एक प्लान बना के कौन से टॉपिक मुझे फोकस करने हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हुए आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, मैंने खुद भी फॉलो करी है, इस टाइप से ही मैंने पढ़ा था, रफली मैंने इसी तरह सब चीजें बनाई थी उस टाइम पर। तो ये सब इंक्लूड करके आप अपनी प्रिपरेशन को भी बूस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।